Hello friend, my name is Sahil Khan. My team name is The Backbencher. Today I will teach you about computer fundamentals. Computer होता क्या है? तो आज का video काफी basic होने वाला है. So let's start. तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल. कंप्यूटर होते क्या हैं? तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज इन नियरली 19th सेंचुरी. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चार्ल्स बैबेज के द्वारा डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी के करीब. तो इट टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. ये इनपुट लेता है हमारे इनपुट डिवाइस से, उसको स्टोर करता है एंड प्रोसेस करके हमें आउटपुट रिजल्ट देता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है. तो अब देखेंगे हम कंप्यूटर किस तरीके से हमारा इनपुट लेता है, हमारे इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है. और तो हम बात कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में. तो इनपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं सीपीयू को. सीपीयू हमारा जो इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट जो देता है वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस देते हैं. तो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं मॉनिटर. ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. अब हमारे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में. तो हमारे इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आते हैं कीबोर्ड, माउस. ये हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं. सीपीयू हम करते हैं, सीपीयू में हमारे चार तरह की कंट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं. तो सीपीयू में पहले एक रजिस्टर होता है जिसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है. और फिर हमारी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है. अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में हम प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल करती है. और कंट्रोल यूनिट जो होती है ये सारे जितने भी काम होते हैं उसको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर में. तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. तो अब हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. हमारे कंप्यूटर में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. तो अभी हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर. जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर को, जो हम टच कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर में दो तरह के पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर. तो इंटरनल पार्ट में हमारा HDD आया, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, CPU चिप, ये हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर आया. एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर में हमारा कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और CPU आया, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर आया में आई. अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट के बारे में. हमारे कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम. एक इंस्ट्रक्शंस का सेट और प्रोग्राम, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सिंपली अगर हम कहें तो नॉन टचेबल थिंग, जिसे हम छू नहीं सकते हैं. उसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट. तो सॉफ्टवेयर हमारा होता क्या है? इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन वो होता है जो एक कंप्यूटर को कोई काम करने को बोला जाए, एक स्टेटमेंट जो कंप्यूटर को कोई काम करने को बोला जाए. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कमांड. अ सेट ऑफ कमांड को हम कहते हैं प्रोग्राम. और जब हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम बनता है तब जाकर हमारा बनता है सॉफ्टवेयर. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने तरह के पार्ट्स होते हैं. तो सॉफ्टवेयर के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. तो अभी हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में. पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे में बात करेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम यूज़र्स के लिए बनाते हैं, एप्लीकेशंस के लिए बनाते हैं. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा हो गया वर्डपैड, नोटपैड, पेंट, टैली, ये सारा जो हुआ हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ. दूसरा बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम के लिए जो बनाया जाता है. जैसे हमारा विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, ये सारे जो प्रोसेसर हैं, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम कंप्यूटर में दो तरह के, यही दो तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होते हैं. ये तो डिस्कस करेंगे हम पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में. पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी होती क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर. एक एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती है. जैसे हम कंप्यूटर के फीचर को इन्हांस करते हैं, जैसे हम उससे थ्रू प्रिंटर लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये हमारे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इन्हांस करती है. इसके थ्रू हम कंप्यूटर को, यूज़र को सुविधा फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ मेमोरी पे. तब तक के लिए बाय.